वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के शेयर का प्राइस 802 रुपये है और इसकी जो डे की आज की क्लोजिंग है वो 1.6% इसने लो पे दी है। अब एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लिस्ट हुए, आप देखोगे 24 सितंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी और इसका पीक है करीब 846 रुपये। उसके बाद लगातार एक डाउनफॉल आ रहा है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आता हूँ BSE की साइड पे, तो यहाँ पर जो शेयर का आज का ट्रेडिंग पैटर्न था, जैसे कि ओपन हाई लो एवरेज प्राइस ही आपके सामने ही है। 52 वीक हाई 58.59 रुपीज़ है, लो 795 है। अब आप हम देखते हैं कितने शेयर ट्रेड हुए थे, तो करीब 1 लाख शेयर ट्रेड हुए थे जिनकी वैल्यू 8 करोड़ है। अब मार्केट कैप इस कंपनी का ठीक ठाक है, 4,119 करोड़ का। ये यहाँ की डिटेल नहीं हुई जैसे अर्निंग पर शेयर, कैश अर्निंग पर शेयर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसे लिस्ट हुए। अब एक बार यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि कंपेयर करते हैं रिटर्न वर्सेस FD तो बेटर है, डिविडेंड नहीं पे करता क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है। अब फोरकास्ट की बात करते हैं, अब यहाँ किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो इसमें बाय के लिए कह रहा है। अब फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं, जैसा कि आपके सामने है इसकी जो रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है लास्ट 5 ईयर में करीब 13% है, और जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 6.4% है। नेट इनकम की ग्रोथ रेट इसकी है 8.5%, जबकि जिस सेक्टर की कंपनी है उस सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में है, और मार्केट शेयर इनका इंक्रीज़ हुआ है। अब 2018, 19, 20 और 21 का फाइनेंस ईयर की बात करते हैं। 2018 में इनका टोटल रेवेन्यू था 1,185 करोड़, जो 2019 में बढ़ के 1,640 करोड़ हो गया, पर 2020 में इसके रेवेन्यू में थोड़ी कमी आई 1,473 करोड़, और 2021 में पर इसका रेवेन्यू बढ़ा था। अब बात करते हैं नेट इनकम की। 2018 में इस कंपनी को 102 करोड़ का प्रॉफिट था, 2019 में 96 करोड़ का इसका प्रॉफिट कम हुआ, पर 2020 में देखोगे तब भी प्रॉफिट कम हुआ, पर 2021 में हम बात करते हैं तो इसका प्रॉफिट बढ़ा है। तो इन द एंड लास्ट के 4 ईयर में कंपनी प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट आसपास ही कोई ना ज़्यादा बड़ी गिरावट हुई है ना कोई ज़्यादा इनका प्रॉफिट बढ़ा है, कंपनी स्टेबल है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर ने अपनी रिसेंटली अपनी होल्डिंग कम की है, पहले 48% थी अब 36% है, वही इसने अपना IPO निकाला था। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड की अभी हम कह सकते हैं जब इसका अगला क्वार्टर आएगा तब देखेंगे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग में बरकरार रखी है या निकाल दी है। अब बात करते हैं DII की। DII ने इसमें से अपना पैसा निकाल लिया है। FI की, FI की अच्छी खासी होल्डिंग है इसमें। बाकी बात करते हैं रिटेल पार्ट, रिटेल जो इनकी होल्डिंग अभी आई है उनके साइड IPO के थ्रू। अब बात करते हैं कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो स्टेबल कंपनी, ग्रोथ रेट भी स्टेबल है, पर अगर हम कोई जैसे प्राइस के ऊपर बात करते हैं, जैसा कि है अब जैसा कि कोई ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं शेयर को, तो प्रॉपर किसी भी तरह के इंडिकेटर हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो वही है कि आपने अपना एक स्टॉप लॉस रख लो इसमें, अगर आपने ट्रेड करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसे ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं जो स्टॉक इज ट्रेडिंग 4.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू, और यहाँ देखते हैं जो कंपनी को रिपीट जो इसका प्रॉफिट है वो दोबारा रिपीट हुआ है, पर इसने कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया। अब दी कंपनी डिलीवर पुअर शेयर ग्रोथ, इसकी ग्रोथ रेट है काफ़ी कम है, लास्ट के 5 सालों में सिर्फ 10% है कंपनी। अब इसकी रिटर्न ऑफ इक्विटी देखते हैं तो करीब 12.98% यानी 12.98% है 4 लास्ट 3 ईयर के अंदर। तो इसके ऊपर कंपनी एक स्टेबल है, पर वही है ना कि कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो सकती जैसा कि आपको इसमें एक अच्छा खासा शेयर के अंदर प्राइस देखने को मिलेगा। स्टेबल कंपनी है, पर कम टाइम में अगर आप एक अच्छी ग्रोथ चाहते हो तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, बाकी अपने एंड पर भी स्टडी करो।